आप देख रहे हैं अजय भारत, मैं हूं विनीता मिश्रा। बिहार में लोग बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन अब बाढ़ के साथ साथ कटाव का भी लोग दंश झेलने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको कई ऐसी तस्वीर दिखा चुके हैं जहां कटाव के कारण अच्छे अच्छे घर मिनटों में पानी में समा चुका है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर पूर्णिया की है। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर पूर्णिया के एक स्कूल की है जहां देखते ही देखते पूरा स्कूल पानी में धराशाही हो गया। नदी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले तो बाढ़ और अब कटाव। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से लगातार पूर्णिया में बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से कटाव की जो रफ्तार है वो भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। कनकई नदी में कटाव का स्तर इस कदर बढ़ गया कि पूरा स्कूल देखते देखते उस नदी की भेंट चढ़ गया। तस्वीर देखिए और ये तस्वीर आपको वाकई अचंभित कर देगी। देखते ही देखते पूरा स्कूल नदी में समा गया। ऐसी कई तस्वीर हमने आपको दिखाई है जहां देखते ही देखते अच्छे अच्छे घर नदी में समा चुके हैं, कई स्कूल नदी की भेंट चढ़ चुके हैं और पहले तो बाढ़ और अब कटाव। बाढ़ के बाद कटाव का दंश लोग झेले पे मजबूर हैं। आपको बता दें कि जो ये स्कूल है यहाँ कटाव का स्तर लगातार जारी था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाई थी कि कटाव जिस हिसाब से हो रहा है कुछ गलत हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन ने उन मांगों को अनदेखा कर दिया और आखिरकार पूरा का पूरा स्कूल इस कटाव की दंश झेलता हुआ नजर आया। इस कटाव में पूरा स्कूल पानी में विलीन हो गया और देखते ही देखते इस स्थान को देखने से अब लगता ही नहीं है कि यहाँ पे दो मंजिला स्कूल हुआ करता था। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।